हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम फार्मेसी प्रैक्टिस सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है हमने यूनिट 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस पेपर में 3 सेक्शन दिए गए हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो सेकंड सेक्शन है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, और जो थर्ड सेक्शन है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। स्टार्टिंग विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में टोटल 20 क्वेश्चन है और इसमें एक मार्क एक क्वेश्चन के लिए है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेसिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट इज, इसका आंसर होगा सी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन, इन हॉस्पिटल ऑफ बेड स्ट्रेंथ 50 हाउ मैनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड, एक ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे बेड 50 है वहाँ पे कितने फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका आंसर होगा ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हॉस्पिटल्स ऑफ बेड स्ट्रेंथ 100 हाउ मैनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड, एक 100 बेड के हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका आंसर होगा ए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हॉस्पिटल ऑफ बेड स्ट्रेंथ 200 हाउ मैनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड, सो इसका आंसर होगा 8 फार्मासिस्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इज अ लिस्ट ऑफ डैश प्रिपरेशन, सो इसका आंसर होगा ए, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉर्मुलरी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लिस्टिंग थेरेप्यूटिक एजेंट्स बाय देयर, एक फॉर्मुलरी में जनरली जो थेरेप्यूटिक एजेंट्स की लिस्टिंग होती है वो किससे होती है, इसका आंसर होगा बी, जेनेरिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कमिटी कंपाइल्स द फॉर्मुलरी, कौन सी कमिटी होती है जो कि फार्मूलरी को कंपाइल करती है, सो इसका आंसर होगा बी, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इज टू एक्टिव इंश्योर दैट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग थेरेपी इज, फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जो फार्मासिस्ट है वो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग थेरेपी को कैसे दे रहा है, इफेक्टिव तरीके से, सेफ तरीके से, इकोनॉमिकल एंड ऑल, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटरिंग डिफाइंस द डैश ऑफ द डोजेज रेजिमेन, इसमें ये पता करना है हमको कि जो मॉनिटरिंग है वो डोजेज रेजिमेन का क्या डिफाइन कर रहा है, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी या फिर नन, सो इसका आंसर होगा बी, सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ऑकरेंस ऑफ, यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्या चीज़ रिड्यूस हुई है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, साइड इफेक्ट, मेडिकेशन एरर या फिर नन ऑफ दिस, सो इसका आंसर होगा सी, मेडिकेशन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स हाउ वेल द पेशेंट कंटिन्यूज द मेडिकेशन रेजिमेन, इसका आंसर होगा बी, परसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स हाउ वेल द पेशेंट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ऑफ व्हेन एंड हाउ टू टेक द मेडिसिन, इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि पेशेंट फॉलो कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को कि कब और कैसे मेडिकेशन को लेना है, सो उसका आंसर होगा ए, कंप्लायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडहेरेंस मीन्स पेशेंट्स कन्फॉर्मेंस विद प्रोवाइडर्स रिकमेंडेशन विद रिस्पेक्ट टू डैश ऑफ द मेडिकेशन, अडहेरेंस का मतलब होता है पेशेंट का कन्फर्मेंस विथ प्रोवाइडर्स, मतलब जो भी डॉक्टर उनको रिकमेंडेशन दे रहा है या मेडिसिन लिख रहा है तो मेडिकेशन के किस चीज से वो रिलेटेड होगा, टाइमिंग, डोसेज, फ्रीक्वेंसी या फिर ऑल, सो इसका आंसर होगा डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑकरेंस ऑफ मेडिकेशन एरर इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विथ इनएडिक्वेट और इनकम्प्लीट, इसका आंसर होगा ए, मेडिकेशन हिस्ट्री, अगर मेडिकेशन हिस्ट्री इनकम्प्लीट या इनएडिक्वेट है तो मेडिकेशन एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज इम्पॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग प्रिस्क्रिप्शन एरर एंड कॉन्सिक्वेंट रिस्क टू पेशेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट जिसमें हम प्रिस्क्रिप्शन एरर और रिस्क टू पेशेंट्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, सो इसका आंसर होगा ए, मेडिकेशन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, A medication history is detailed, accurate and complete account of prescribed, non-prescribed, both A and B and none. So, इसका answer होगा C, both A and B. Next question, the main responsibility of community pharmacist includes dash of drug to the patient. इसमें आएगा D, all of the above.
जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है वो कंपाउंडिंग भी करता है, डिस्पेंसिंग भी करता है, पेशेंट काउंसलिंग भी करता है. सो इसका आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर मटेरियल मैनेजमेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है मटेरियल मैनेजमेंट के लिए? स्टॉकिंग, कोडिंग, बोथ ए एंड बी एंड नन. सो इसका आंसर होगा बी, कोडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग स्टोर हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग्स विद डैश कंट्रोल्स. जहाँ पे भी हमको ड्रग को स्टोर करना है वहाँ पे एडिक्वेट जगह के साथ क्या क्या कंट्रोल्स होना चाहिए? लाइटिंग, टेम्परेचर, वेंटिलेशन एंड ऑल. सो इसका आंसर होगा डी, ऑल. एंड द लास्ट क्वेश्चन, द कम्युनिटी फार्मासिस्ट मस्ट बी क्वालिफाइड एंड पर्टिनेंट विद साउंड एजुकेशन, स्किल, कॉम्पिटेंस एंड ऑल. सो इसका आंसर होगा डी, ऑल. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 2, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमको कोई 2 अटेम्प्ट करना है एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 10 मार्क्स. सो 10 × 2 = 20. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट मेथड्स और सिस्टम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल. इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सबसे पहले ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसके बारे में लिखना है. उसके बाद आपको ड्रग सर्विसेज जो हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है और डिस्पेंसिंग कैसे की जाती है ड्रग्स की टू द इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट्स, ये हमको डिस्कस करना है, उसमें लिखना है. अलग अलग टाइप के वार्ड कंट्रोल सिस्टम, फार्मेसी कंट्रोल्ड बेस सिस्टम, फार्मेसी कंट्रोल्ड पेशेंट इशू सिस्टम, इन सब के बारे में लिखना है. देन डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स टू द आउट पेशेंट के बारे में लिखना है, उनका ऑब्जेक्टिव, लेआउट, प्लानिंग कैसे होनी है, क्या क्या सर्विस देनी है, ये सारी कंप्लीट डिटेल्स इस क्वेश्चंस में आपको लिखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग. इसमें थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या होती है उसकी मेन आपको डेफिनेशन लिखनी है. डेफिनेशन के बाद आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स या नीड बताने हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ TDM या थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, पॉलीफार्मेसी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मेडिकेशन एरर, नॉन कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें लिखनी है. देन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के बारे में आपको लिखना है. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग एंड लास्टली व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ये सब आपको डिटेल्स में इस क्वेश्चन में लिखना है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन मेडिकेशन अडहेरेंस इन डिटेल. मेडिकेशन अडहेरेंस में आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है मेडिकेशन अडहेरेंस की, कंप्लायंस क्या होता है, परसिस्टेंस क्या होता है, ये लिखना है आपको. What is the importance of medication adherence? कौन कौन से causes हो सकते हैं medication non-adherence के, कौन कौन से factors होते हैं जो adherence को affect करते हैं, and आपका क्या काम है, that means pharmacist का क्या role है medication adherence में, ये सारी चीज़ें हमको detail में इस question में लिखनी है. And the last section is section 3, that is short answer type questions. इसमें हमको 7 questions attempt करना है. एक question का 5 marks है, तो total 5 × 7, 35 marks. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिफाइन एंड गिव मेथड्स फॉर कोडिंग. इसमें सबसे पहले आपको कोडिंग क्या होता है उसको डिफाइन करना है एंड कौन कौन से मेथड्स यूज किए गए हैं कोडिंग करने के लिए कम्युनिटी फार्मेसी में, उसको आपको नोट करना है. जैसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेथड होता है, निमोनिक्स मेथड होता है, न्यूमेरिकल मेथड होता है, कॉम्बिनेशन मेथड होता है एंड लोकेशन कोडिंग, फिक्स्ड लोकेशन, रैंडम लोकेशन, जोनल लोकेशन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव फॉर्मेट ऑफ पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू. इसमें आपको हिस्ट्री इंटरव्यू जो लेता है एक डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट किसी भी पेशेंट से, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको पूछना है उसका फॉर्मेट दिया गया है, आपके नोट्स में दिया है, मैंने बताया है, वो आपको नोट डाउन करना है. थर्ड क्वेश्चन, राइट द कॉजेज ऑफ मेडिकेशन एंड नॉन अडहेरेंस. मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस के क्या क्या रीज़न या कॉजेज हो सकते हैं वो आपको इसमें नोट डाउन करना है. जैसे कि फर्स्ट इज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हो सकता है, फिजिशियन रिलेटेड फैक्टर्स हो सकता है, इलिटरेसी हो सकता है एंड कई बार एज के वजह से भी नॉन अडहेरेंस हो जाता है क्योंकि पेशेंट्स भूल जाते हैं. सो ये सब फैक्टर्स या कॉजेज आपको इसमें नोट डाउन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन अडहेरेंस. इस क्वेश्चन में हमको व्हाट इज द मेन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन अडहेरेंस के बारे में लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट लिमिटेशंस ऑफ TDM. इसमें TDM के लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके बारे में हमें लिखना है. सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हॉस्पिटल फार्मूलरी. हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होती है,
उसमें क्या चीज़ इंक्लूड किया गया है, एक हॉस्पिटल फार्मेसी कैसे बनती है और उसमें हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में क्या क्या चीज़ें ऐड रहती है, ड्रग लिस्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट, राइट डिफरेंस बिटवीन फॉर्मुलरी एंड ड्रग लिस्ट। एक फॉर्मुलरी और ड्रग लिस्ट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आपको टोटल 5 पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। जो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है सच एज टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इन सब के बारे में आपको लिखना है कि कितना ईजी होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, एट्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।